क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको पढ़ाई करते हुए ज़्यादा समय भी नहीं होता है कि आपके मन में दुनिया भर के विचार आने लगते हैं, जैसे कि अपने पास्ट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, अपने GF को लेकर, अपने BF को लेकर, या फिर आप पढ़ाई करते समय बार बार बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में यस एंड नो में आंसर जरूर दीजिए। और आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ, क्योंकि आज के हमारे वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाई करते समय विचार आने से संबंधित, बार बार सोचने से संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब देने वाला हूँ। जैसे कि पढ़ाई करते समय विचार क्यों आते हैं, हम पढ़ाई करते समय बार बार सोचने क्यों लगते हैं, ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए, एंड को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के बारे में कि पढ़ाई करते समय आपके मन में विचार क्यों और कहाँ से आते हैं। तो इसके मैं आपको तीन कारण बताना चाहूँगा। नंबर एक, आप जिस काम को कर रहे हो, अगर आपको उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, तो ऐसे में आपका जो मन है वो मज़े लेने के लिए और अच्छा फील करने के लिए आपको अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए विचार देता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में PUBG खेलो, फ्री फायर खेलो, आप पढ़ाई बंद करके बाहर घूमने चले जाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मस्ती करो, TV देखो, इसी तरह के विचार आपके मन आपको देता है। नंबर दो, यदि आप किसी काम को पूरा ना करके बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, या फिर आप लोग आज के काम को आज ना करके कल पर टाल देते हैं, तो ऐसा यदि आप हर दिन करते हैं तो दिन ब दिन आपका काम बढ़ता जाता है और काम के साथ साथ आपका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और जब आपका प्रेशर बढ़ता है तो आपका मन उस प्रेशर को कम करने के लिए आपको दिन के 24 घंटे में से ज़्यादातर समय आपको उस काम के विचार देता रहता है। फिर चाहे आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप बाहर घूमने गए हो, उस टाइम पर आपको वो विचार देता रहता है, आपको याद दिलाता है विचारों के ज़रिए कि आपको वो काम करना है, आपका वो काम अधूरा पड़ा है। नंबर तीन, जितनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में क्या है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है, स्पोर्ट की दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान से कौन इंडिया में आया, इंडिया से पाकिस्तान में कौन गया, कितने मर्डर हुए, कितने रेप हुए, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, जितना ज़्यादा आप लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उतना ज़्यादा ही आपका मन आपको अलग अलग तरह के थॉट देता है, विचार देता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि पढ़ाई करते समय हम बार बार सोचने क्यों लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तीन कारण बताने जा रहा हूँ। तो वो तीन कारण ये रहे। नंबर एक, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते, जिनका आपको कारण पता नहीं होता है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपका मन उस समस्या के बारे में, उस घटना के बारे में जानने के लिए कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जानने के लिए अक्सर दिन के ज़्यादातर समय सोचता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि एक दिन अचानक आपके पास आती है और आपसे कहती है कि अब मुझसे बात मत करना, ब्रेकअप। तो ऐसी कंडीशन में आप उससे पूछते हो कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ब्रेकअप क्यों कर रही हो, जबकि हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो आपको कारण नहीं बताती है, वो आपको छोड़कर चली जाती है और आपसे कभी बात नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग दिन के ज़्यादातर समय यही सोचने में बिताते रहते हैं, आप लोग यही सोचते रहते हैं कि आखिरकार उसने आपको छोड़ा तो छोड़ा क्यों, इसका कारण क्या है, इसी वजह से आप लोग दिन के ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं। नंबर दो, जब आप अकेले में समय नहीं बिताते हैं या फिर आप लोग अपनी समस्याओं के हल को ढूंढने के लिए, समाधान को ढूंढने के लिए कोई समय निश्चित नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप लोग दिन के ज़्यादातर समय, फिर चाहे आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घूमने गए हो, तो ऐसे समय में आप लोग अक्सर अपनी उन समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। नंबर तीन, जब आप किसी काम को पूरा ना करके बीच में अधूरा छोड़ देते हैं या फिर आप लोग आज के काम को आज ना करके कल पर टाल देते हैं, अगर आप लोग हर दिन ऐसा ही करते रहते हैं तो समय के साथ आपका काम बढ़ता है, आपका प्रेशर बढ़ता है, और जब आपका काम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो आपका मन उस काम को, इस प्रेशर को कम करने के लिए आपको अलग अलग तरह के आइडिया देता है कि आखिरकार इस काम को, इस प्रेशर को कम कैसे किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप लोग सोचते हैं, फिर चाहे आप लोग खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहा रहे हो, उस टाइम पर आप लोग अपने इस काम को, प्रेशर को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहते हैं। अब बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि पढ़ाई करते समय हम विचारों को आना बंद कैसे कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई करते समय हम विचारों की संख्या कम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा कि पढ़ाई करते समय आप लोग अपने मन में विचारों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि आप लोग अपने मन में विचारों की आने की संख्या को कम कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग अपने दिन के ज़्यादातर समय में ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना कम कर देते हैं, उनके बारे में जानना कम कर देते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, PUBG फ्री फायर में क्या हो रहा है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में क्या हो रहा है, जितना कम आप लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उनके बारे में जानना कम कर देते हैं, उतना ही कम आपके माइंड में थॉट आते हैं, आपके मन में विचार आते हैं। और जब आपके मन में विचार सीमित हो जाते हैं, आपके मन में लिमिटेड विचार आते हैं, तो ऐसे में आप लोग उनको आसानी से कंट्रोल कर पाते हो, उन पर नियंत्रण पाते हो, और जब आप लोग अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाओगे तो आप लोग अपने काम पर भी, अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाओगे। अब बात करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन के बारे में कि पढ़ाई करते समय आप लोग बार बार सोचना कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बार बार सोचना बंद कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तीन उपाय बताता हूं। नंबर एक,
आपको जो भी चिंता या फिर समस्या सता रही है, आप लोग अपनी उस समस्या को, अपनी चिंता को, अपने बेस्ट फ्रेंड को या फिर आप जिस व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, आप लोग उसे बता दीजिए। जब आप लोग अपनी चिंता के बारे में, समस्या के बारे में अपने दोस्त को या फिर ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति को बता देंगे, तो ऐसा करने से होगा ये कि आपकी जो समस्या है, चिंता है, वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। आप लोग उससे काफ़ी हद तक फ्री हो जाओगे, जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा सोचोगे नहीं और आप लोग अपनी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाओगे। नंबर दो, यदि आपने अपनी समस्या के बारे में, चिंता के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया है लेकिन इसके बाद भी आपकी चिंता जो है वो काफ़ी हद तक कम नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कर ये सकते हैं कि आप लोग अपना पेन और कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए कि ये जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग उन ऑप्शंस को लिखिए और उन पर एक्शन लीजिए। और यदि आपके हाथ में उस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग उस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग उसके बारे में चिंता भी मत कीजिए। नंबर तीन, आपको अपने कामों को अधूरा ना छोड़ करके आपको उन्हें पूरा करना है। आपको अपने कामों को कल पे ना टाल करके आज ही कंप्लीट करना है। इससे होगा ये कि जब आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके ऊपर काम का प्रेशर नहीं रहेगा, आपके ऊपर ना काम बढ़ने का ना काम घटने का प्रेशर रहेगा, जिससे कि आप लोग अपने प्रेजेंट एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाओगे और आप लोग सोचने से, विचार आने से बच सकोगे। अब बात करते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नहीं बल्कि आपके लिए एक एडवाइस है। आपको ये पता होगा कि आपका जो मन है वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, या तो पढ़ाई कर सकता है या फिर सोच सकता है। तो ऐसे में आपको सोचना, विचार करना इग्नोर करके आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जब आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, आप लोग अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओगे, तो आपको ये थॉट्स आना, बार बार सोचना खुद ब खुद कम हो जाएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई पर अच्छा से अच्छा ध्यान दे पाओगे, पढ़ाई में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के अंदर जिस सवाल का जवाब जानने के लिए आए थे, उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में यस एंड नो में आंसर जरूर देना और आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक वीडियोस लाते रहेंगे।